हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आज फिर हम एक मिलेट की रेसिपी लेके आए हैं, तो वो है फॉक्सटेल मिलेट। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि फॉक्सटेल मिलेट को इंग्लिश में हम फॉक्सटेल मिलेट और हिंदी में उसे हम कंगनी बोलते हैं। तो कई लोग जब कंगनी के नाम से जानते हैं पर कन्फ्यूज रहते हैं, तो मैं इसलिए आपको दोनों नाम बता दी हूँ। वैसे मैं बहुत सारी मिलेट की जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर की हूँ कि कौन सा श्रीधान्य मिलेट है, कौन सा मिलेट है, क्या है, बहुत सारी जानकारी सभी मैं अपने वीडियो के माध्यम से शेयर की हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट खादिरवली डॉक्टर खादिरवली वाला प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च कर सकते हैं। सभी वीडियो आपको लाइन बाय मतलब स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा, जिससे आपको इसे समझने में बहुत ही इजी होगा। तो आप उस वीडियो को पहले देख कर आइए, तभी आपको आगे का वीडियो समझ में आएगा। अगर आप मिलेट के बारे में या श्रीधान्य या मिलेट के बारे में थोड़ा कन्फ्यूज़ हैं, तो उस वीडियो को देख के आपको पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आप ज़रूर उसे एक बार देखिए, उसके बाद आप रेसिपी भी बनाइए। तो चलिए आज हम मिलेट की एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जो कि फॉक्सटेल मिलेट। तो फॉक्सटेल मिलेट की वैसे मैं एक रेसिपी ऑलरेडी आप लोगों से शेयर की हूँ, जो कि है लड्डू का। तो आज फिर एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फॉक्सटेल मिलेट की टेस्टी टेस्टी रोटी। तो हाँ, रोटी कैसे बनाते हैं ये आप लोग कई लोगों ने पूछा भी था। तो उसका रोटी बनाना ही बहुत आसान होता है, और लेकिन उसका आटा बनाने के लिए मैं आप लोगों को बताई थी। तो पहले उस आटा बनाने की रेसिपी को आप देखिए, उसके बाद आप इसे बनाइए। क्योंकि अगर हम मार्केट से आटा खरीदते हैं तो हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा ना हो। तो आप फॉक्सटेल मिलेट रेडीमेड मतलब फॉक्सटेल मिलेट खरीद के उसे आप घर में आटा तैयार कर सकते हैं। उसका आटा तैयार करने की विधि भी मैं बताई हुई हूँ। उस तरीके से आप कोई भी मिलेट का आटा बना सकते हैं, और उसके बाद आप यूज़ पे ले सकते हैं। उसके बाद उस आटा से आप चीला या फिर उस आटा से आप मतलब रोटी, पराठा, लड्डू कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए आज हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही मिक्स सब्जी डाल के हम बनाएंगे फॉक्सटेल मिलेट की रोटी। वैसे बताऊं फ्रेंड मैं आप लोगों को कि मुझे फॉक्सटेल मिलेट का जो रोटी है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। मतलब सभी मिलेट का मैं रोटी खाई हूँ, पर मुझे मेरा फेवरेट मतलब कहा जाए तो मेरा फेवरेट है ये फॉक्सटेल मिलेट। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आई होप आप लोग भी इसे ट्राई कीजिएगा, वाकई में आप लोगों को भी टेस्टी लगेगा। इसकी हर रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट पौष्टिक होता है, तो आप जरूर इसे अपनी डाइट में शामिल कीजिए। तो चलिए हम बनाने स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मिलेट कहाँ से खरीदना है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं अपने वीडियो के नीचे उसका लिंक शेयर कर दी हूँ, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम वीडियो का आज का रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, और यहाँ पर मैं फॉक्सटेल मिलेट जो कि मैं घर में तैयार की थी वो आटा है। इसकी रेसिपी भी आप चेक कर सकते हैं, मैं अपने चैनल में डाल दी हूँ। और वैसे हो सकेगा तो आई बटन या फिर एंड स्क्रीन पर लिंक देने का कोशिश करूँगी। और ये फॉक्सटेल मिलेट जो है छिलका वाला जो फॉक्सटेल मिलेट है वो उसी का है, मतलब इसमें ज़्यादा फाइबर होता है, इसलिए मैं छिलका वाला फॉक्सटेल मिलेट ही बनाई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। जिसके कारण से यहाँ पर मैं एक कप के करीब आटा ले रही हूँ। अगर आप फैमिली में और ज़्यादा मेम्बर हैं तो यहाँ पर आप दो कप आटा ले सकते हैं। आटा अपने अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा बारीक कटी हरी धनिया और मिर्ची और अदरक डाल रही हूँ। अगर मेथी का सीजन है तो आप बारीक कटी हरी मेथी भी डाल सकते हैं। और सभी को थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। तो इसे मैं थोड़ा सा चम्मच से मिक्स कर लेती हूँ, और इसमें हल्का सा गुनगुना पानी डाल रही हूँ। तो गुनगुना या फिर गर्म भी आप डाल सकते हैं, और इसे मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पर फिर हमें सब्जी और ले लेती हूँ, जो सब्जी आपके पास अवेलेबल हो। यहाँ पर मेरे पास शिमला मिर्च, प्याज ले रही हूँ, और अगर आपके पास गोभी है, पत्ता गोभी है, गाजर है, मटर है, जो सब्जी आप लेना चाहें सब ले सकते हैं। और टमाटर भी मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो सभी को आप बारीक बारीक चॉप कर लीजिए, और सभी को चॉप करके आप इस बैटर में डाल दीजिए। तो जितना ज़्यादा सब्जी आप डालेंगे उतना ज़्यादा आपका जो रोटी है वो ज़्यादा हेल्दी पौष्टिक हो जाएगा, और बच्चे बड़े सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पर जो सब्जी आपको अवेलेबल हो वो आप यहाँ पर एकदम बारीक बारीक चॉप कर डालिए। तो सभी को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। टमाटर को मैं चाकू से काट ली थी, उसे ज़्यादा चॉप करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो ऐसे ही पक जाता है। तो मैं उसे चॉप नहीं की हूँ, उसको ऐसे ही डाल दूँगी। तो सब्जियों को आप मैं एक एक ली हूँ, जैसे एक शिमला मिर्च है, एक टमाटर है, एक प्याज, ऐसा ली हूँ। आप अपने अनुसार से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए सभी को डाल के इसे हम घोल बना लेते हैं थोड़ा सा। और अगर आपको गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा इसमें और पानी डाल सकते हैं, गर्म पानी। तो देखिए गर्म पानी थोड़ा सा डाल के इसे थोड़ा सा घोल टाइप से बना लेते हैं, जैसे हम लोग चीला बनाते हैं उस टाइप से।
अगर आप इस बैटर का चीला बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर दीजिए, फिर आप इसका चीला भी बना सकते हैं। तो मैं इसका रोटी बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसे, आप चाहो तो गैस पे कुक कर सकते हैं इसे थोड़ा सा गाढ़ा होते तक, और नहीं तो ओवन में रख दीजिए। मैं ओवन में इसे 10 मिनट कुक कर दी हूँ, तो देखिए इस टाइप से गाढ़ा हो गया है। अगर ये थोड़ा सा गीला है तो इसे आप थोड़ा देर और पका सकते हैं, और अगर आप गैस में पका रहे हैं तो गैस में रख के चम्मच से उसे हिलाते जाइए जब तक कि वो गाढ़ा ना हो जाए। जब आपका बैटर इस टाइप से गाढ़ा हो जाएगा तो फिर आप गैस उतार लीजिए और उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दीजिए, और उसे ठंडा होने पर इसे अब हाथों से मसल मसल के अच्छे से सॉफ्ट आटा तैयार कर लीजिए। अगर आप चाहे, जैसे आपके लग रहा है कि आटा आपका थोड़ा सा गीला है, तो आप थोड़ा सा इसमें बेसन, मतलब 2-3 चम्मच बेसन भी डाल सकते हैं। बेसन डालने से आपका रोटी जो है अच्छे से बनेगा, फटेगा नहीं, तो बेसन भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इसे मैं ठंडा होने पर सॉफ्ट आटा जैसे तैयार कर लूँगी, अभी थोड़ा गर्म है तो इसे थोड़ी देर रख दीजिए ठंडा होने के लिए, और ठंडा होने के बाद इसे अच्छे से हाथों से मसल मसल के इसे तैयार कर लीजिए। जितना ज़्यादा सॉफ्ट आटा आपका तैयार रहेगा उतना अच्छा आपका रोटी बनेगा। तो देखिए मेरा आटा तैयार हो गया है, और जैसे थोड़ा सा गीला जैसे लग रहा है तो आप यहाँ पर बेसन थोड़ा सा या फिर फॉक्सटेल मिलेट का आटा ही डाल सकते हैं, कंगनी का आटा। तो चलिए इसे रोटी बनाने स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा लोई ले लीजिए, और उसके बाद मैं इस चौकी बेलन में चिपकता है इसलिए मैं यहाँ पर एक पॉलीथीन बिछा दी हूँ, एक झिल्ली रख दीजिए आप यहाँ पर, और उसके बाद इसी में इसे आप बेलिए। अगर आप चाहे तो तेल लगा कर बेल सकते, तेल या घी, या तो ऐसे सूखा बेसन या फॉक्सटेल मिलेट का आटा, जो भी आप लगाना चाहे आप उन लगा कर बेल लीजिए। और अगर आपसे गोल नहीं बन रहा है तो आप कोई भी गोल ढक्कन वगैरह हो उसमें आप गोल इसे कट कर सकते हैं, जिससे कि आपका रोटी गोल गोल दिखेगा। और उसके बाद गर्मा गर्म तवे पे आप इसे सेक लीजिए। इसे हम आगे पीछे से अच्छे से उलट पुलट कर सेकेंगे, और इसमें हम देसी घी लगा लेंगे। अगर आप चाहे तो सरसों का तेल में भी आप इसे सेक सकते हैं, जिसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसे बहुत अच्छे से सेक लीजिए, और उसके बाद बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक रोटी आपका बनकर तैयार हो जाता है। इसे बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे ही। इसे आप टिफ़िन में या फिर लंच में, डिनर में, आप किसे या फिर ब्रेकफास्ट कहीं पर भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए मेरा रोटी बन गया है। इसे आप कोई भी अपने मनपसंद चटनी के साथ खा लीजिए। मैं यहाँ पर टमाटर का जो अचार बनाई थी इसकी रेसिपी भी मैं शेयर की हुई हूँ, मैं उसी के साथ इसे सर्व। तो ये था रोटी बनाने का तरीका। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो फर्स्ट बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।